डे 29 पड़ी आज सुबह की तीखी खिली धूप देखकर ये सोच पाना भी जैसे मुश्किल था कि कल शाम जब हम पौड़ी पहुंचे तो जोरदार बारिश और बर्फ गिर रही थी, लेकिन धूप का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि ठंड में कुछ कमी थी। सर्दी पूरे कड़ाके की थी और इसमें धूप सेकने का कुछ अपना ही मजा था। ऊपर वहाँ पे झंडे लगे हुए ना, ऊपर पहाड़ के टॉप पर वो खंडोलिया मंदिर है। वो अच्छा मंदिर है। अच्छा, उसका रास्ता कहाँ से? आप सीधा जाइए यहाँ से। हाँ। ऊपर के लिए टर्न हो जाइएगा। अच्छा, बस स्टैंड के पास से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, किसी से पूछ लीजिएगा कि खंडोलिया का रास्ता कहाँ पर। खंडोलिया का, अच्छा। खंडोलिया मेन पौड़ी बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर पे शिव जी का मंदिर है। ये पौड़ी की हाईएस्ट पीक पर बनाया गया है और काफी दूर से ही साफ दिखाई देता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता सीधा सीधा है और करीब 10 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम वहाँ पहुँचे। खंडोलिया टेम्पल ब्यूटीफुल टील एंड ऑरेंज कलर से पेंटेड है, जो कि इस जगह को इतना ब्यूटीफुल बना रहे थे कि ये फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। हम मंदिर के दर्शन करके थोड़ी देर वहां रुककर व्यूज एंजॉय और फोटोग्राफी करते रहे और फिर आगे के रास्ते बढ़ चले। Thank you.
साइट सीइंग करते हुए अब ऑलमोस्ट दोपहर होने लगी थी और हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि आज 3 दिनों बाद बारिश रुकी थी, बादल साफ और तीखी धूप थी, तो हमारा प्लान था खुद ही कुक करके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने का। क्या है बानू? गीली है। गीली है पूरी? ये देना, गीली है क्या? ये तो कच्चा है। कच्ची है? हाँ, ये तो कच्चे हैं। ये बना सकते चूल्हा, बना सकते हैं इस पत्थर चूल्हा। जगह मतलब साफ सुथरी नहीं लग रही है, लकड़ी ठीक है लेकिन सूखी ना आग लगाने के लिए शुरुआती आग। ये वो भी उठा लो, वो उठा लो भैया लकड़ी को। हमें लकड़ी मिली, धूप में रख दो तब तक। ये इतने तो बन नहीं जाएगा हमारा अंडा, तो जल्दी बनता है यार, लेकिन पतली लकड़ियां हैं। लकड़ियाँ तो मिल गई, इन पे आग अच्छी मिलती है, आग अच्छी लगती है। भैया जी लेके आ रहे हैं, भैया उठा रहे ना। हाँ, पे आग बहुत अच्छी लगती है। ये तो सूखी सूखी है सारी, है ना, ये देखो। हाँ देखो, पूरा झाड़ है, आग बहुत अच्छी लगती है इस पे। तो आप तो काफी बड़ा गट्ठर ले आए हो आप तो, इनको छोटा करना पड़ेगा ना। कितनी लकड़ी इकट्ठी करी आपने? एक मुट्ठी। वो जो पेड़ नहीं है उसके वहाँ पे बन सकता था, फिर सड़क के किनारे बनेगा। मिलेंगे जगह आगे ना, लकड़ियाँ होंगी फिर कभी भी बना लो, है ना। चलो उधर आगे, आप गाड़ी के आगे भी सूखी लकड़ियाँ भैया वहाँ से तोड़ो, और गाड़ी के आगे देखो वहाँ से। अच्छा नहीं होगा मेरे साथ, चलो। वो टहनी टूटी और पक्की हो गई, पक्की है, खोलो। कट गई है ना रास्ता, देखो घुसवार करके चल रही है एक ही बार में। आग इसे देंगे। हाँ? ये तो एक ही बार में फट 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 जल जाएंगे। कौन सी बोल? ये हाँ, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर नहीं, धूप में रोकना गाड़ी थोड़ा, तो कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ ठीक लग रहा है वहाँ पे। हाँ बेस्ट। कहाँ वहाँ ऊपर जाना है? चल रही हूँ। क्या मेन्यू है आज?
eggs and bread. तीन कैसा बनाए? बहुत यम, मैंने तो खाया भी बढ़िया। सही बनाए? लून ठीक है? अब कैसे कम है ना? ठीक है लून? ठीक है यार, भुना हुआ बकरा जैसा लगता है। क्या होगा? स्मोकी एग। अच्छा लग रहा है? और ठंडा होने से पहले खा लो। क्या जबरदस्त अंडा था यार, इतने अच्छे व्यू के साथ और अंडा ब्रेड, वाओ। भैया पैन ऐसे रखूंगी अभी गाड़ी गंदी नहीं हो जाएगी? कोई बात नहीं, रख दो कौन जा, तब तक तो तुम्हें इस पर लग के साफ हो जाएगी ये तो। अच्छा हमसे साफ करवाओगे? तो ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट के बाद अब टाइम था आगे टिहरी की तरफ बढ़ने का, एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।